खबर नर्मदापुरम से। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर नर्मदापुरम पुलिस प्रशासन ने शुरू किया जागरूकता अभियान। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देशन में आज थाना माखन नगर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध और यौन शोषण के विरुद्ध आम जनता में जागरूकता अभियान ग्राम गुराड़िया मोती से एसडीओपी सुहागपुर द्वारा प्रारंभ किया। अक्सर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ या अन्य मामले अक्सर सामने आते हैं, जिसको लेकर नर्मदापुरम पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। जागरूकता अभियान की शुरुआत बागरा तवा ग्राम गुराड़िया मोती से की गई। महिला अपराध शाखा से उपनिरीक्षक सुरभि तिवारी, माखन नगर थाना प्रभारी इस जागरूकता अभियान में शामिल रहे। तुम्हारे यहाँ बाबई थाना है और मैं सुहागपुर एसडीओ हूँ, मतलब बाबई और सुहागपुर दो ही थाना मेरे अंदर में, मतलब मैं थाना प्रभारी ऊपर था। फिर हमारे ऊपर एसपी साहब, एसपी साहब के ऊपर राजीव साहब होते हैं, राजीव साहब के ऊपर डी जी साहब, ये तुम्हारे पीठ के प्रभारी जहाँ थानेदार साहब जो है, मतलब बाबई थाना, बाबई थाना में चार पाँच सर, आज आपके द्वारा जो गुड़ारिया से एक पहल की गई है वो किस प्रकार से है और उस क्या उद्देश्य है, उससे क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं भविष्य में? असल में हमारे एसपी साहब डॉक्टर गुरुकरण सिंह साहब का निर्देश था कि जो महिला अपराध हैं या यौन शोषण के, महिलाओं के, बच्चियों के यौन शोषण के अपराध हैं जी, वो उन पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब सामाजिक जागरूकता हो। तो इस सामाजिक जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे क्षेत्र में जी। तो जिसमें महिला अपराध शाखा होशंगाबाद जो है, नर्मदापुरम जो है, उसमें उप निरीक्षक सुरभि तिवारी भी इसमें शामिल हैं। तो हम लोगों ने गुराड़िया मोटा का गुराड़िया मोती करके जगह है जी, वहां से ये अभियान की शुरुआत की है। इसमें हमने वहां की गांव के लोगों को, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, सब लोगों को बुलाकर उनके बीच में बात की है और बात करके उनको बताया है कि ये कितना घृणित अपराध है महिलाओं के साथ यौन शोषण करना या महिलाओं के प्रति क्रूरता का प्रदर्शन करना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ अत्याचार करना। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, ना तो धार्मिक रूप से, न सामाजिक रूप से, किसी भी तरह से ये उचित नहीं है। और फिर हमने उन लोगों को ये बताया कि अगर कोई अपराधी इसमें करता है तो उसको देखिए 10-10 साल की सजा होती है, फांसी की सजा भी हो सकती है और वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा, समाज के अंदर उसका अपमान होता है। बच्चे वाले लोग ये अपराध कर देते हैं तो उनके परिवार के अंदर उनकी पोजीशन खराब होती है। तो इस तरह से महिलाएं और पुरुष मिलकर अपने घरों में, अपने गाँव में लोगों से बात करें और इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद करें, तो एक जागरूकता अभियान ये चलाया जा रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, महिलाओं के प्रति क्रूरता होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो छेड़छाड़ की घटना हो, चाहे महिलाओं के साथ मारपीट का मामला हो, चाहे उनके यौन शोषण का मामला हो, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और समाज के अंदर इन अपराधों में कमी आएगी जी। इस अभियान का नाम क्या दिया है सर? जागरूकता अभियान, महिला जागरूकता अभियान जी। तो धन्यवाद, आप सुन रहे थे हमारे एसडीओपी सुहागपुर मदन मोहन समर जी, जिन्होंने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए माखन नगर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।